पदनी कवळ घेता नाम घ्या श्री हरिचे सहज हवन होते नाम घेता फुकाचे. नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल यमी क्रेविंग्स विद आरएनडी. आज हम बनाने जा रहे हैं पालक के पकोड़े, क्योंकि ये रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है. तो चलिए देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है. सबसे पहले हमने ली है एक पालक की गड्डी, 3 से 4 प्याज, 1 कटोरी बेसन, 3/4 कटोरी चावल का आटा, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबलस्पून हींग. इसके अलावा मैंने लिया है 1 चुटकी बेकिंग सोडा, 1 टेबलस्पून नमक और 1/2 टेबलस्पून अजवाइन. तो दोस्तों, ये रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है. तो अब हम शुरू करते हैं पालक के पकोड़े. दोस्तों, सबसे पहले हम प्याज और पालक को बारीक काट लेंगे और एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे. उसके बाद हम ऐड करेंगे नमक, अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, अजवाइन और हींग. दोस्तों ध्यान रहे, जैसे ही हम पालक में और प्याज में नमक ऐड करेंगे तो प्याज और पालक अपना पानी छोड़ना शुरू कर देंगे और उसी पानी में हम अपना बैटर बनाने वाले हैं. हम बैटर बनाने के लिए अलग से पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे. ये इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद हम इसमें 1 कप बेसन ऐड करेंगे और 3/4 कप चावल का आटा ऐड करेंगे और ये सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करते रहेंगे तब तक जब तक अपना बैटर रेडी ना हो जाए. तो लो दोस्तों, अपना बैटर बन गया. अब हम हमारे बैटर को 10 मिनट तक यूं ही रहने देंगे. दोस्तों 10 मिनट हो चुके हैं. अब हम कढ़ाई तेल गरम करना शुरू कर देंगे. हमने लगभग 3 कप कुकिंग ऑयल इस्तेमाल किया है और गैस को मीडियम से हाई फ्लेम तक रखा है. हमारा ऑयल गरम हुआ है कि नहीं चेक करने के लिए हम बैटर का छोटा सा हिस्सा तेल में रिलीज करेंगे और जैसे ही वो हिस्सा उबल कर उभर आए, इसका मतलब है हमारा ऑयल अब डिजायर्ड टेम्परेचर तक गरम हो चुका है. अब हम बैटर के छोटे छोटे हिस्से बनाकर ऑयल में रिलीज कर देंगे और बीच बीच में हम करछी के सहारे चलाते रहेंगे. दोस्तों अच्छे से पकौड़ों को आप चलाते रहिए ताकि हीट इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और बैटर अंदर से कच्चा ना रहे. अगर बैटर अंदर से कच्चा रहेगा तो आपको पकौड़े खाने का मज़ा बिल्कुल नहीं आएगा. हम एक साथ 8 से 10 पकौड़े इजीली बना सकते हैं. हमें गैस को मीडियम से हाई फ्लेम पर रखना है और पकौड़ों को तब तक फ्राई करना है जब तक पकोड़े गोल्डन येलो न दिखने लगे. गोल्डन येलो दिखने के लिए लगभग 8 से 10 मिनट लग सकते हैं. तो हम यूं ही पकोड़ों को फ्राई करते रहेंगे और जैसे ही हमारे फ्राई हो जाते हैं हम उन्हें एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे जिसके ऊपर मैंने टिश्यू पेपर रख दिया है. हम टिश्यू पेपर इसलिए इस्तेमाल करेंगे ताकि पकोड़ों का जो एक्सेस ऑयल होता है वो टिश्यू पेपर में एब्जॉर्ब हो जाए. जैसे ही पकौड़े अच्छे से फ्राई हो जाते हैं हम पकौड़ों को टिश्यू पेपर वाले प्लेट में ट्रांसफर कर देंगे और हमारे पकौड़े रेडी हैं. तो दोस्तों, है ना ये रेसिपी बनाना इतना आसान. तो आप ये रेसिपी ज़रूर बनाइए और अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेंबर्स के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा. अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक बटन दबाना ना भूलिए. मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा. तो लो दोस्तों, बन गए अपने पालक के पकौड़े.
एंजॉय कीजिए और देखते रहिए यमी क्रेविंग्स विद आर एंड डी। थैंक यू सो मच।